करता दुख हरता वाटा विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची, जय हे विजय। ओ हेलो, ओ दवे जी। अरे क्या है यार, क्यों दिमाग खा रहा है बे? अरे क्या बैठे बैठे इंस्टा चला रहा है, जा जाकर थोड़ा वीडियो वगैरह बना। अब कौन सी वीडियो भाई, आज ही तो पेपर खत्म हुए, शांति रखना यार थोड़ा। अबे पूरी गणेश चतुर्थी निकल गई है, फिर तू रोते बैठना कंटेंट नहीं मिला वीडियो क्या बनाऊं, फिर मेरे को मत सुना यार। अब आखिरी दिन तो है गणपति बप्पा का, अब कहां जाओ बनाने के लिए? आखिरी दिन तो है ना, माल का राजा अभी वहीं पे बैठे, जाके बना ले वीडियो। हाँ जाता हूँ, इतना भी गुस्सा कर रहा है, यूट्यूबर हूँ मैं, गिव मी सम रिस्पेक्ट ब्रो। हाँ ले पकड़ अपना ट्राइपॉड, आया बड़ा, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट की भाई। भाई आराम से यार, टूट जाएगा, एक ही तो ट्राइपॉड है, तो घर से चालू करूँ वीडियो। अब ये भी मैं ही बताऊँ, एक काम का ट्राइपॉड मुझे दे दे, मैं जाके बना लेता। हाँ ठीक है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज धीरज दवे एंड यू आर वाचिंग डीडी ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका आज के वाले रंगारंग ब्लॉग में। तो चलिए आज का रंगारंग ब्लॉग शुरू करते हैं। और यार इतने दिन मेरे पेपर चल रहे थे तो वीडियो आ नहीं रही थी, और टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वीडियो शूट भी नहीं हो पा रही थी। और पूरी गणेश चतुर्थी निकल गई यार, हमारा पेपर भी पूरा गणेश चतुर्थी के टाइम ही था, तो यार इतने कंटेंट मेरे हाथ से निकल गए। और आज है आखिरी दिन, तो हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने, मालचा राजा देखने जाने वाले हैं। तो आओ आपको दिखाता हूँ मालचा राजा, और इसी के साथ बढ़ते आगे। लेकिन एक बात मुझे बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि हम गणपति बप्पा बिठाते क्यों हैं? अब यार बचपन में बाल गणेश सबने देखी है, तू क्या टाइम पास कर रहा है, जाके बनाना वीडियो। क्या है, क्या यूट्यूबर बनेगा यार तुम, क्या यार। ठीक है, अगर आपने बाल गणेश देखी है तो अपन बढ़ते आगे, लेट्स गो। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे मंडल में किसी एक सदस्य से पूछते हैं कि ये जो मंडल है, ये मंडल का नाम क्या है एक्चुअली? ये मंडल का पूरा नाम है श्री पाताड़ेश्वर सांस्कृतिक गणेश मंडल महालचा राजा। और आप पीछे देख सकते हो ये जो मूर्ति है, कितनी फीट की हो रही है? ये मूर्ति है 4 फीट की। ये 4 फीट की। अभी ये जो कोरोना काल के कारण जो गवर्नमेंट्स के जो पॉलिसी रूल रेगुलेशन आए, उसके कारण ये छोटी बनी है। बिल्कुल। तो हर साल कितनी बड़ी बनती है? बिल्कुल, हमारी पूरी मूर्ति 11 फुट की रहती है, 11-12 फुट की मूर्ति बैठाते हैं। तो पर जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, तो कोविड में जो भी प्रशासन के जो भी नियम है, महानगर पालिका के नियम है, उसके नियम के हिसाब से इससे हमने 4 फुट की मूर्ति बैठाई हुई है। और ताजा सा एक दिखावा किया है, और इसी मंदिर के दिखावा के रूप से एक अच्छा सा मैसेज दिया हुआ है कि लोगों को इसकी जानकारी भेजता है, पता रहनी चाहिए। अच्छा, तो हर साल यहाँ पे अलग अलग थीम होते हैं? हर साल अलग अलग थीम होती है। इस बार यहाँ पर एटलांटा के समय का मंदिर तैयार किया हुआ है, घारापुरी का, एटलांटा के समय का। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये मंदिर अपने मुंबई में कुलाबा में जो अरबी समुद्र है, वो समुद्र से लगभग अपने को वहाँ से बोट करके 10 किलोमीटर पानी से जाना पड़ता है, और वहाँ पे फिर घारपुरी करके ऐसा एक मंदिर है। अच्छा, वहाँ पे भव्य दिव्य इस प्रकार का मंदिर दिखाया हुआ है, वही मंदिर अपन ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे वैसा डेकोरेशन के टाइप से दिखा हुआ है, मैं आपको पीछे भी देख सकते हो आप, ये जो पूरा डेकोरेशन सिनेमेटिक्स तो मैंने ले लिए, और भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये चीज है, तो थैंक यू भैया मेरे को शूट लेने के लिए दिया। और इसी के साथ मंडल का कार्यक्रम तो चलते ही रहेगा, और कल ही है अपना विसर्जन, कल ही है विसर्जन अपना, 20 तारीख को विसर्जन में हर साल यहाँ पे माल पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ विसर्जन इतना टाट बाट से होता है, मतलब मजा आ जाती है, इतना
दमदार यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह होते हैं माल पे, लेकिन इस बार ढोल लंगाड़े कुछ है नहीं। तो इस बार कुछ नहीं, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि सादा गणपति आपको बैठाना है, आपके पूजा पाठ जो करना है आप वो पूरे कर पर मूर्ति बैठा कर आपको कुछ भी दिखावा करने की अनुमति नहीं मिली है। तो अपन ने वैसा ही काम किया है, अपन ने सादा ही मंडल ने सादा ही किया हुआ है, और कोई भी ढोल ताशा पतक स्पॉट कर सकते हो पर आप बिरौनक नहीं निकाल सकते। सही बात है, सिर्फ क्या पब्लिक जमा हो जाती है इसलिए। तो इसी के साथ ये जो अपना मंडली है यहाँ की, इन्फॉर्मेशन अच्छा दिया भैया ने, थैंक यू सो मच। और आपने जो शूट लेने दिया उसको भी थैंक यू। और इसी के साथ गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे आपको, गुड बाय। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गणपति बप्पा के नाम का एक लाइक तो बनता है यार। और इसी के साथ जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, और वो ये है, हम गणपति बप्पा बिठाते तो हैं पर क्यों बिठाते हैं, और ये स्टार्ट कब हुआ, क्यों बिठाते हैं? ये तो बहुत मालूम है कि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि हम गणपति बप्पा को पूजते हैं, पर ये जो टाइम रहता है, ये कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी रहती है, इस 8-9 दिन में हम अपने गणपति बप्पा को घर पे बिठाते हैं, तो ये इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, जब ब्रिटिश का राज था ना, तो बहुत धर्म के बीच में कड़वाहट बढ़ने लगी, और इसी को देखते हुए हमारे महज लोकमान्य तिलक जी ने सोचा कि यार गणपति जी की पूजा तो हर कास्ट में होती है, मतलब हर धर्म में गणपति जी की पूजा पहले होती है, हर काम से पहले। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी प्रथा शुरू करें ताकि एक धर्म वापस हमारा इकट्ठा हो, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे वो धर्म सबका टूट रहा था। तो 1593 में पुणे शहर में इन्होंने गणपति बापा को बिठाया, और तब से ये हर घर में यहाँ पे प्रथा चलने लगी। तो ये था दोस्तों, सबसे पहले किसने किया था शुरू, सबसे पहले किया था हमारे महज क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक जी ने। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के मिलते अगले वीडियो में, तब तक दवी जी की बूटी बूम, दवी जी की बूटी हाय हाय, दवी जी की बूटी हाय, दवी जी की बूटी हाय हाय, दवी जी की बूटी हाय।